तालियों से स्वागत। मानव स्वरूप नारायण हमारे बीच में अब उपस्थित। मैं अनुरोध करूंगी आप माननीय अतिथियों से कि वह आगे आकर दीप प्रज्वलित कर अंधकार की इस अमावस को दूर करें। प्रोफेसर एमएल गोयल जी, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, देसवाल सर जी, धर्म की स्थापना तथा राम राज्य के आगमन को दर्शाता यह पर्व संपूर्ण मानव जाति को ईश की उपस्थिति का मधुर संदेश देता है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेन से डॉक्टर श्री पाठक जी को। चलाओ दिए पर रहे ध्यान रहना जाए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेट के मैकेनिकल डिपार्टमेंट से श्री अतुल कौशिक जी को। स्वागत कीजिए श्री अतुल कौशिक। नंद किशोर जी गर्ग, जगदीश जी मित्तल, ट्रस्टीगण, आदरणीय डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर मेट्स मेम्स, मेरे अग्रज अनुज व आत्मीय साथी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मंच संचालिका गरिमा जी ने जैसे आग्रह किया कि दिवाली के त्योहार पर कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखूं। जब मुझे बताया गया कि यह अवसर मुझको दिया जा रहा है तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि दिवाली के अवसर पर मैं क्या लिखूं। प्रश्न उठा कि दिवाली का त्यौहार हम मनाते ही क्यों हैं? क्या भगवान श्री राम अयोध्या वापिस आए उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? केवल इतना ही नहीं है, वो कहते हैं कि राम अगर वन ना जाते तो श्री राम बन ना जाते। वो एक राजकुमार वन में गए, वहां के समाज को एकत्रित किया, असत्य पर सत्य की जीत की, उसी कारण से वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। समय समय पर समाज को संगठित करने की आवश्यकता पड़ती है। अनेकों उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, श्री राम, महाराजा अग्रसेन, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर केशव राव बलिराम, जिनका विचार आज समाज को संगठित कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां मैं लिख पाया हूं कि छाया है चहूं और तम, छाया है चहूं और तम घनघोर, अब फिर भी जगी है आस मन में, विश्वास मन में, जूझना है कठिनाइयों से, लड़ना है परछाइयों से, जूझना है कठिनाइयों से, लड़ना है परछाइयों से, फिर भी स्वपन स्वर्णीय, नयनों में हमें जगाना है, एक दीप हमें जगाना है, एक लो हमें जगानी है। होते हैं आघात हम पर वार हम पर, पुराने काल से ही हमारे राष्ट्र पर अनेकों बार आक्रांताओं ने आघात किए, हर बार हमने उनका प्रतिकार किया, हम खड़े रहे। आज भी परिस्थितियां वैसी हैं, स्वरूप बदल गए हैं, कभी उड़ी पर हमला होता है तो कभी राष्ट्र के अंदर ही विश्वासघाती पैदा होते हैं, अनेकों समस्याएं हैं। आज हम बड़े हर्षोल्लास से दिवाली का उपलक्ष्य मना रहे हैं, क्या कभी हम सोचते हैं कि इतने सुख शांति से जो हम उत्सव मना रहे हैं वो इसलिए बना पा रहे हैं कि वहां राष्ट्र की सीमा पर अनगिनत हमारे साथी हमारी रक्षा कर रहे हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, मां के चरणों में अपना स्थान पाते हैं। अगर उनके परिवार के बारे में सोचें तो चारों तरफ जहां खुशियां हैं क्या उनके आंगन में ऐसा माहौल होगा? हो सकता है कि कहीं एक दिया भी ना जला हो। जब उस पीड़ा को अनुभव करता हूं तो चार पंक्तियां लिख पाया हूं। होते हैं आघात हम पर वार हम पर, टूटते हैं नन्हे सपने, बिछुड़ जाते हैं अपने, चढ़ गया बलिवेदी पर वो हाथ जिसका, चढ़ गया बलिवेदी पर वो राखी वाला हाथ जिसका, मिट गया माथे से वो जन्मों वाला सुहाग जिसका, उस माँ के अंधियारे आंगन में, उस माँ के अंधियारे आंगन में एक दीप जलाना है हमको, एक लो जगानी है हमको। यह देश है अपना और हम इस देश के, यह मिट्टी है अपनी और हम इस मिट्टी के। वो कहते हैं कि देश और स्वदेश शब्द दोनों एक जैसे हैं, समानार्थी हैं,
किंतु देश और स्वदेश में भावना का अंतर है। जब स्वदेश आता है तो वो मेरा अपना देश है, वही भावना हमें अपने अंदर समाहित करनी है। यह देश है अपना और हम इस देश के, यह मिट्टी है अपनी हम इस मिट्टी के, है अमीर भी अपने गरीब भी अपने, है जवान भी अपने किसान भी अपने। आज चारों तरफ स्वदेशी स्वदेशी ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। कई बार ऐसा भी कह दिया जाता है कि इतना स्वदेशी स्वदेशी से हमें क्या मिलना है। अभी दिवाली के उपलक्ष में ही कल का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक कुम्हार बंधु के घर में हम गए दिए लेने। जब उनको बोला तो एक वृद्ध कुमार वो दिए बना रहा था, तो उसने अपने पोते को कहा कि जरा पानी ले आओ। जब वो पानी ले गया बड़ा प्रसन्न था उसका चेहरा, तो हमने भी पूछ लिया क्या बात छोटू इतने खुश कैसे हो। तो बड़े निश्चल भाव से उसने कहा दादाजी कह रहे हैं कि अब की बार खूब पटाखे फोड़ना खूब मिठाइयां खाना। ये हम ही लोग हैं जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा अपने हाथ से कुछ उनके हाथ में समर्पित किया तो उनको खुशियां मिली। ये है स्वदेशी कहने का। यह मिट्टी है अपनी और हम इस मिट्टी के, यह अमीर भी अपने गरीब भी अपने, हैं जवान भी अपने किसान भी अपने। अब हर निर्धन की कुटिया में, अब हर निर्धन की कुटिया में एक दीप जलाना है हमको, एक लो जगानी है हमको। समरस भारत का है सपना, समर्थ भारत हो अपना। समरस भारत का है सपना, समर्थ भारत हो अपना। दीप से दीप जलाना है, एक सूत्र में राष्ट्र पिरोना है। कहने को तो ये शब्द बड़े मूल्यवान से लगते हैं, समर्थ भारत, समरस भारत, एक राष्ट्र। लेकिन कभी सोचा कि हम कैसे कर पाएंगे? जो व्यक्ति, जो साथी आज यहाँ पे हैं, वो ही वो लोग हैं जो इस समरस भारत, समर्थ भारत, एक राष्ट्र की नींव रखने वाले हैं। प्राचीन काल से गुरु और शिष्य, ये शब्द बड़े मूल्यवान रहे हैं। एक गुरु ही वो है जो एक शिष्य में संस्कार डालता है, राष्ट्रभक्ति डालता है। आज फिर से वही समय है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है, हम उधर ही जा रहे हैं। जो गुरुकुल की परंपराएं रही हैं वही हम अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। हम ही लोग हैं जो इस राष्ट्र को विश्व गुरु मनाएंगे। तब चार पंक्तियां मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। समरस भारत है अपना, समर्थ भारत हो फिर अपना। दीप से दीप जलाना है, एक सूत्र में राष्ट्र पिरोना है। इतिहास को फिर दोहराना है, गत गौरव को फिर लाना है। जाग उठे हैं लाल भारती के, आप लोगों को समर्पित है। जाग उठे हैं लाल भारती के, परम वैभव को फिर से पाना है। एक दीप से दीप जलाना है, एक ज्योत जगानी है हमको। जय हिंद। धन्यवाद अतुल जी का। इन्होंने जैसे उदाहरण दिया सरहद पर हमारे जवानों का, तो उसके उनको प्रोत्साहित करते हुए एक शेर आपके समक्ष कि फानूस बनकर जो जले जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे जिसके रोशन खुदा करे। धन्यवाद। तो खुदा का, भगवान का, ऊपर वाले का, ईश्वर का अगर आशीर्वाद हम पर है तो हमें किसी भी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। रावण को पराजित कर सीता मैया के साथ अयोध्या में वापसी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला यह पर्व केवल एक दिन का आयोजन नहीं होता, अभितु अपने साथ यह त्योहारों की श्रृंखला को लेकर आता है। धनतेरस से शुरू होता हुआ जिसको हम आज मना रहे हैं, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज, इस पंचतंत्र की विभिन्न मान्यताओं और धर्म एवं सत्य के धनी भारत वर्ष की महिमा का प्रतीक है ये दिवाली का पर्व। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेम से डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी का। तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी। दीपावली यानी दीपों की श्रृंखला, अर्थात उत्सवों की श्रृंखला। वास्तव में दीपावली कोई एक त्योहार नहीं है, वरन त्योहारों का समूह है। प्रचलित है इस दिन राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, परंतु अनेक अन्य कारण भी हैं जिसमें दीपावली मनाई जाती है। बहुत लोग इससे परिचित हैं, बहुत लोग इससे नहीं परिचित हैं। इसी दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तमिल में इसे दीपोवली कहा जाता है।
ओली का अर्थ है रोशनी। जैन धर्म में इस दिन को महावीर भगवान महावीर के निर्वाण के रूप में माना गया है। यही वह दिन है जब सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी जेल से रिहा हुए। दीपावली का त्यौहार एक साथ कई त्यौहार लेकर आता है। शुरुआत होती है बासु बरस से। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। फिर आता है धनतेरस, ये त्रयोदशी को आता है और भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन होती है नरक चतुर्दशी यानी नरकासुर का वध। गुजराती में से काली चौदस और राजस्थान में से रूप चौदस कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये दिन बड़ा माना गया है। अमावस्या के दिन होती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा और फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र को हरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। गुजरात में इस दिन नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है और अंत में आती है भैया दूज। गुजरात में इसे भाई बिज और बंगाल में इसे भाई फोटा कहा जाता है। यह दिन भाई बहन के रिश्ते को समर्पित किया गया है। अगर आप भारत के त्योहारों में दृष्टिपात करें तो एक दिवाली एक महोत्सव प्रतीत होता है जिसमें सभी के लिए अनेकों रंग हैं। इसी रंग में दीपावली के उपलक्ष्य में मैं कविता पाठ करूंगा। कविता में प्रयास है कि ज्योति केवल जीवन में नहीं वरन अंतर मन में जलानी है, जिसका हृदय मन का अंधकार दूर हो। दीप ज्योति के बन कर हम जग में नव प्रकाश फैलाएं, आत्म और परमात्म मिलाकर दीप ज्योति बन जाएं, आत्म और परमात्म मिलाकर दीप ज्योति बन जाएं, दस दिश प्रसृत हो प्रकाश तम तनिक न हो अवरोध, सबको उन्नति का अवसर हो स्वाभिमान का बोध, सबको उन्नति का अवसर हो स्वाभिमान का बोध, पढ़ने बढ़ने जीवन घड़ने का सबको अधिकार, जितना पाएं शतगुण बांटें बड़े परस्पर प्यार, जितना पाएं शतगुण बांटें बड़े परस्पर प्यार, अंधकार की कारा काटें उजियारा हो मुक्त, निजहित गौण साध्य सबका हित, जनगण हो संयुक्त निज हिंद गौण साध्य सबका हित, जनगण हो संयुक्त, श्रम शिखर की विमल नंदा गौरव करे आह्वान, रचे शून्य से दृष्टि समूची हर नर हो नारायण, रचे शून्य से दृष्टि समूची हर नर हो नारायण, आत्म मिटा विश्वात्मा बने, आत्म मिटा विश्वात्मा बने परमात्म प्राप्त कर पाए, मैं को हम में विलीन सब दीपावली बनाए, मैं को हम में विलीन सब दीपावली बनाए, एक दीपगढ़ जले अकेला तूफान उसे बुझाता, शत दीपों से जग रोशन हो अंधकार डर जाता, शक्ति एकता में होती है जो चाहे वह कर दे, शक्ति एकता में होती है जो चाहे वह कर दे, माटी के नन्हे दीपक को तम हरने का वर दे, माटी के नन्हे दीपक को तम हरने का वर दे, बने अमावस भी पूनम यदि दीप साथ जाएं, बने अमावस भी पूनम यदि दीप साथ जल जाएं, स्नेह साधना करें अनवरत दीपावली मनाएं। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का यह पर्व लक्ष्मी पूजन को भी सुशोभित करता है। लक्ष्मी पूजन से सुख एवं समृद्धि तथा गणेश स्तुति से शुभ काल की कामना की प्रार्थना की जाती है। सभी अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं और मंगल जीवन की कामना करते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेट से श्री हर्ष जोशी जी को कि वह सुरों की श्रृंखला से वातावरण को गुंजित करें। अज हो नाए बाल मा
आए रे सावन बीता जाए, आज हो नाए बाल माँ सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, नींद भी अखियन द्वार जाए सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, चांद को बदरा गरवा लगाए, चांद को गरवा बदरा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए, चांद को बदरा गरवा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर सुश्री सुमन शर्मा जी को कि वह सुरों की श्रृंखला से एक बार फिर से इस मंच को सुशोभित करें। तालियों से स्वागत कीजिए सुश्री सुमन शर्मा जी का। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। जिनसे मिला क्या बुरा क्या
पंक्तियां प्रस्तुत करें। एक छोटा सा गीत हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिखा हुआ है, उनकी इस गीत से मैं शुरुआत करता हूं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल,
हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीती हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया। दो पंक्तियां हमारे सैनिकों की तरफ से हमें आई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वह मंगल दीप दिवाली थी, वह मंगल दीप दिवाली थी, दीपों से जगमग थाली थी, कोई दिए जलाकर तोड़ गया, आशा की किरण को रोक गया, इस बार न ये हो पाएगा, इस बार न ये हो पाएगा, अंधियारा न टिक पाएगा, कर ले कोशिश कोई लाख मगर, कर ले कोई कोशिश कोई लाख मगर, कोई दिया न बुझने पाएगा, कोई दिया न बुझने पाएगा। यह संदेश हमारे सैनिकों ने हमारे पूरे भारत देश के नागरिकों के लिए दिया है, तो हमारा भी फर्ज है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि हम सभी उनके लिए संदेश भेजें, उनके परिवार के लिए दीपावली की शुभकामना का संदेश भेज लें। आपसे यही अपील है मेरी, नेचर फर्स्ट नेशन फर्स्ट। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जगदीश मित्तल जी को, वाइस चेयरमैन नेम्स को, कि वे मंच पर आकर हम सबको दिवाली की शुभकामनाएं दें। मैंने भी दिवाली का संदेश इस बार जो सबको भेजा है उसकी दो पंक्तियां पुनः बजरंगी ने लंका जला राख कर डाली, सर्जिकल स्ट्राइक पर, प्रेजेंट सर्जिकल स्ट्राइक और एंशंट सर्जिकल स्ट्राइक। पुनः बजरंगी ने लंका जला राख कर डाली, दिवाली से पहले सेना मना चुकी दिवाली, दिवाली से पहले सेना मना चुकी दिवाली। उर उरी को दिया, उर यानी दिल, उरी जहां पर आक्रमण हुआ, उर उरी को दिया तन वतन के लिए, बन गए वो समिधा हवन के लिए, जो सुमन भारती के चरण पर चढ़े, जो सुमन भारती के चरण पर चढ़े, दिए बन गए वो गगन के लिए, दिए बन गए वो गगन के लिए, वो सदा के लिए सो गए भी तो क्या, वो सदा के लिए सो गए भी तो क्या, स्वप्न में आएंगे जागरण के लिए, गर्व का पर्व है उस किरण के लिए, गर्व का पर्व है उस किरण के लिए, ये दिवाली है उनको नमन के लिए, ये दिवाली है उनको नमन के लिए। दीप की माटी सा पावन, दीप की माटी सा पावन, दीप की बाती सा कोमल, दीप की ज्योति सा उज्ज्वल, ऐसा हो मानव मन, दीपावली अभिनंदन, दीपावली अभिनंदन। और आजकल व्हाट्सएप पर कुछ अच्छे संदेश आते रहते हैं, उसमें एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दिवाली पर अपने घर की सफाई करते हैं और दिल से मुस्कुराने के लिए जीवन में पुल की जरूरत होती है, खाई की नहीं। दिल से मुस्कुराने के लिए जीवन में पुल की जरूरत होती है, खाई की नहीं। छोटी छोटी बातों पर अपनों से न रूठें, दीपावली आ रही है, घरेलू रिश्तों के साथ साथ सभी दोस्ती के रिश्तों पर जमी धूल भी साफ कर लेना, खुशियां चार गुनी हो जाएंगी, खुशियां चार गुनी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रगति के पथ पर, एक दीप मेरी शुभकामनाओं का भी। दीपावली मनाते समय हमारा हृदय निर्मल, मन प्रसन्न, चित्त शांत, शरीर स्वस्थ एवं अहंकार शून्य हो, ऐसी ही अनुनय विनय है भगवान श्री राम के चरण कमलों में। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डायरेक्टर मेन्स प्रोफेसर एम के भट्ट जी को कि वे मंच पर आकर हम सबको दिवाली की शुभकामनाएं दें। इट गिव्स मी, आई फील हाईली डिलाइटेड टू एक्सटेंड माय फेलिसिटेशंस टू एवरीवन प्रेजेंट हियर।
more so because I was in a different mold in my mind right now, thinking on some issue. And in order to speak on Navami, Diwali, I was thinking how it really looks. First of all, I would like that everyone should get up and give a standing ovation to the people on the borders. I have seen how they work. So everyone is requested to give a standing ovation. Thank you, everybody. I have seen how they work. It is easy to say in Delhi, but tough to work in Udi. Anyway, आपने कह दिया कुछ बोलने के लिए. मैं मन ही मन में सोच रहा था कितनी क्वालिटी है इस चीज में. एक घर से बेघर दूसरा बेघर की बात कर रहा है. पता नहीं आप इसे किस संदर्भ में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए. 1990 से हमारी भी वही बात है जो भगवान राम की है. 14 साल के बाद वो घर आए, लेकिन वो घर आज विवादित है. वही लोग आप भी हैं. किसी भी मेरे पहले प्रवक्ता ने कहा था कि वही चीजें नहीं बदली है. एग्जैक्टली चीजें नहीं बदली है. वही चीजें अब भी थी, 90 भी में थी, और वही चीजें कहीं ना कहीं 1528 में भी थी, जब राम का घर कहीं ना कहीं उसे बेघर कर दिया गया. बहुत बुरा है सुनना. बहुत इसके लिए बहुत ही ज्यादा आई मीन वन मस्ट हैव करेज टू एक्सेप्ट द रियलिटी. जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग डज नॉट कैरी मीनिंग. वन शुड हैव करेज टू एक्सेप्ट द थिंग्स. एनीवे वही बातें, वही फेलिसिटेशंस, वही दीप जले. लेकिन नया क्या आया? नया एक चीज जो मुझे कई बार आया कि एक नया क्लास डेवलप हुआ, जिसको हम कहे मेरे मुझे तक लिबरल्स कहना तो गलत ही लगेगा, सीडो लिबरल्स का. इन सीडो लिबरल्स ने हर चीज को जस्टिफाई करने का ठेका ले रखा. सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो भैया हमें प्रूफ दे दो. अफजल गुरु को फांसी हो गई तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट की ही गलत है. खैर ये मौका नहीं इन चीजों का. लेकिन कई बार इंसान को सोचना भी चाहिए कि भाई आप कौन, आप किस विषय क्यों बोल रहे हैं ये चीज. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि इन चीजों पे भी हमें विचार करना चाहिए. ऐसा है कि मे बी टुमारो यू विल फाइंड समथिंग रिटन बाय मी ऑन द नेशनल डेली ऑन दीज वेरी लिबरल्स. हर चीज को जस्टिफाई करते. और क्या ये जस्टिफिकेशन सही है? क्या हमने ये नहीं चाहिए कि इस अंधेरे को भी हटाना चाहिए? द आंसर इज विद यू एंड यू मस्ट जस्टिफाई इट और थिंक इट ट्वाइस. शैल वी रिमूव दिस डार्कनेस और शैल वी सेव अवर सेल्स फ्रॉम इग्निटिंग लाइट इन दीज डार्क कॉर्नर्स? इट इज अगेन यूर आई हैव नो राइट टू स्पीक एनीथिंग ऑन दिस, बट आई से समटाइम्स दैट माँ भारती सदियों की है, लेकिन कुपूत हो सकता कुमाता नहीं होती है. कई हिंदी में नहीं ये वर्ड सुना कुमाता. खैर मेरा भगवान राम से कैसे शुरुआत परिचय हुई, बिकॉज इन कश्मीर इट वॉज बेसिकली शैविज्म दैट गोज इन एवरी फैमिली. पहला ही चीज माँ कश्मीरी में बोलती थी. मुझे नहीं पता था कि राम कोई लॉर्ड है या कुछ है. अप टू 7-8 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, बट कश्मीरी में वो कश्मीरी इज नॉट रिटन. इट इज जस्ट इट गोज फ्रॉम सेंचुरीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इट हैज नो लिपि ऑफ इट्स ओन. पहला जब शिलान्यास हुआ तो एक आइडिया दिमाग में आ गया कि होल ऑफ द विलेज गॉट एम्प्टी टू हैव द दर्शन ऑफ दैट स्टोन विच इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन स्टोन. और फिर बड़े तो देखा अयोध्या में जाके क्या होता है. कोई लाठी लेके पीछे भाग रहा, क्यों इसने क्या चोरी की,
ये तो बेचारा कह रहा है राम मंदिर बनना चाहिए, इसकी आस्था का सवाल है। जब से ये जन्म आया है, जब से उसने सुना है राम मेरा भगवान है। तो खैर, दूसरा स्टेज देखा, तीसरा स्टेज देखा न्यू लिबरल्स का, जस्टिफिकेशन का। दे से व्हाट्स रॉन्ग इन इट इफ देयर इज अ यूनिवर्सिटी, व्हाट्स रॉन्ग देयर इफ देयर इज अ हॉस्पिटल, व्हाट्स रॉन्ग देयर इफ देयर इज दिस देयर इज दैट। बट ए मैन ऑफ सबस्टेंस समटाइम्स थिंक्स, हाउ कम यू टू जस्टिफाई माई फेथ? And faith is not there to government to decide. Faith is not there for courts to decide. It's a matter of my willingness, my freedom of religion, which constitution provides me. So, Bhagwan Ram ke saath kahi par kahi chize, ab kahi kehte kuch kabhi kuch kabhi kuch kabhi kuch. Magar time aa chuka hai, jab har Bharati ne kathe hoke खाली दीप जलाने से अब नहीं चलेगा काम, बहुत हो गया दीप जला के देख लिया। अब एक दीप इस चीज का भी जलाओ कि कम से कम भगवान को तो अपना घर दिला दे। वो सर्वव्यापी है, ही इज ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट इन हिमसेल्फ, बट एट द सेम टाइम इज इट नॉट ए रियलिटी? Is it not a reality that we should think on these issues? If there is a country, the time has come when people say one law for everybody. It is time that when we must go and say that I am the decider of certain things. Now, I won't extend this thing too much, but कई बार प्रेस में भी आप देख लीजिए, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जहां पे भ्रमित होने का पूरी गुंजाइश हो जाती है। द पर्सन इन द फील्ड फील्स परहैप्स ही इज टेलिंग द राइट, बट राइट इज येट टू कम, राइट इज येट टू बी ऑब्जर्व्ड, राइट इज येट टू बी सीन बाय वन एंड ऑल। विद दीज थिंग्स आई फील वी मस्ट यूनाइट, इग्निट एवरी माइंड विद अ फीलिंग दैट that Ram stands for Muryada. Ram stands for, जब मैं अयोध्या गया था मैंने देखा there were people from different walks of life, हिंदी आती भी नहीं, संस्कृत का दूर दूर से रिलेशन नहीं, ये कोई Ram does not belong to one religion. Ram को अलामा इकबाल ने ही कहा था पैगंबरी हिंद, that means he is a prophet of whole of India. Muirs of Rajasthan, देख लीजिए आप, मालाबार के दूसरे कम्युनिटी के लोग देख लीजिए, एवरी वन इज देयर फॉर राम, ही मे बी फ्रॉम एनी फेथ। सो वट आई से इज दैट सिंपली इग्निटिंग लाइट्स विल नॉट डू, टाइम इज कम वेन पीपल एस्पेशली एजुकेटेड पीपल नीड टू पॉन्डर ऑन इट इन ए सीरियस मोड। आज से पहले 30 साल मैं घर से बेघर हो गया, अजीब लगता है ये कहना, भारती के चरणों में कहीं से उठ गया, कहीं पे पटका गया, तो अगर मैं ये कहता हूं मुझे पेंट रेड या सफरों न कीजिएगा, ये मेरा कर्तव्य है और कहना मेरा फर्ज बनता है। सो अगर किसी को बुरा लगता हो ये चीज सुनना तो मेरी तरफ से माफी, लेकिन मैं ये कहने से ग्रेज नहीं करूंगा कि ही लोग थे जिन्होंने अपने दरवाजे बंद किए, आंखें मीच ली, जो हो रहा होने दो। विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। डायरेक्टर जनरल MAIT प्रोफेसर ML गोयल टू ब्लेस अस ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, प्लीज वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। पहले भी आपने सुना दिवाली पर अतुल जी ने भी कहा, बुराई पे अच्छाई की जीत, झूठ पे सच की जीत, ये दशरथ से शुरू हो जाता है काम और दिवाली तक चलता है। दो दिन पहले अभी जगदीश जी खुद ही आ गए, जगदीश मित्र जी आए भी थे, बात करी सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने मुझे एक दिवाली का कार्ड दिया और उसका जो कवर था उसमें हनुमान जी की फोटो थी, लंका जला रहे हैं, और नीचे हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की कैनन्स वगैरह के साथ की जवानों की फोटो थी, और सर्जिकल स्ट्राइक की आज
कल बात सब जगह हो रही है, काफ़ी वाद विवाद चल रहा है। मैंने सोचा कि हर कोई बात करता है अपनी ताकत दिखाने की, ताकत दिखाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और कुछ नहीं है, ताकत दिखाने की बात है। काफ़ी पिछले 2-3 दिन से मैं काफ़ी ढूंढा ढांढी करी, रिसर्च करी, आई वुड से फाइनली मैंने एक कविता ढूंढ ली। वो कविता आपको सुना रहा हूँ मैं, और उससे आप समझोगे कि रियली सर्जिकल स्ट्राइक की या जो हमने किया क्यों उसकी ज़रूरत है। कविता लिखी हुई है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की, पद्म भूषण इनको मिला, पिछले महीने इनकी जन्म तिथि गई है। 23 सितंबर 1908 को ये पैदा हुए और अप्रैल 24, 1974 को इनकी डेथ हो गई। शक्ति और क्षमा ये इनकी कविता का शीर्षक है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, शब्द आसान नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक से सुनिए, मजा आएगा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। इस कविता में बताऊं, त्रेता युग के भगवान राम की बात बता रहे हैं, जब वो समुद्र पे पुल बनाने की बात करते हैं, और युद्ध जो कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ उसमें कृष्ण ने जो उनको समझाया कौरवों को, वो नहीं सुने, इनका संदर्भ आप दोनों बातों को फिर से सुनिएगा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राई त्राई करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का धर्म चमकता उसमें पीछे जब जगमग है। तो जब तक आपके दम बाहर वाले को पता नहीं लगेगी तब तक उसको डर नहीं होगा और वो उलपटा हरकतें करता रहेगा। दिवाली के आज की जो सारे आपने बातें सुनी, काफ़ी कुछ सीरियस वे में ही सब काम रहा, थोड़ी विविधता में लाता हूँ। काका हाथरसी की भी पिछले महीने जन्मतिथि थी, उनकी मृत्यु तिथि भी पिछले महीने ही थी। आश्चर्य होगा आपको कि वो 18 सितंबर 1906 को जन्मे और 18 सितंबर 1995 को, मतलब 18 सितंबर को उनकी डेथ हुई। 2 छोटी-छोटी कविताएं उनकी सुनाता हूँ, थोड़ा हल्का करने के लिए वातावरण को। कूटनीति मंथन करी, ये तो ये छप्पे है उनका, कूटनीति मंथन करी प्राप्त हुआ ये ज्ञान, लोहे से लोहा कटे ये सिद्धांत प्रमाण। ये सिद्धांत प्रमाण जहर से जहर मारिए, लग जाए कांटा कांटे से निकालिए। कह काका कविराय कांप रहा क्यों रिश्वत लेकर, रिश्वत पकड़ी जाए छूट जा रिश्वत देकर। ये इसका अनुसरण नहीं करना है, न रिश्वत लेनी है न देनी है। 19-29 से 5 तारीख तक विजिलेंस वीक मनेगा, सतर्कता आयोग AICTE से मेरे पास लेटर आ गया है, अगले वीक आपको ओथ दिलाऊंगा कि न लेंगे न देंगे। दूसरी कविता थोड़ी और हल्की है काका हाथरसी की, थोड़ी लंबी है, कार के करिश्मे, ये उसका शीर्षक है। रोजाना हम बंबा पर ही घूमा करते, उस दिन पहुंचे नहर किनारे, वहां मिल गए बर्मन बाबू, वहां गले में डाल कर दिया दिल पर काबू। कहने लगे क्यों भाई काका, ये कविता काफी पुरानी, बहुत सालों पहले लिखी हुई थी, आपको अपने आप पता लग जाएगा किस साल में लिखी होगी। क्यों भाई काका तुम इतने मशहूर हो गए फिर भी अब तक कार नहीं ली, ट्रेनों में धक्के खाते हो, तुमको शोभा देता ऐसा, कहां धरोगे जोड़ जोड़ कर इतना पैसा। बेच रहे अपनी पुरानी गाड़ी सावन राम सूत्री वाले,
10,000 रुपये मांग रहे हैं, पट जाएंगे 8-7 में, हिम्मत हो तो बात करूं मैं। हमने कहा, नहीं मित्रवर, तुमको शायद पता नहीं है, छोटी कारें बना रहा है हमारा दोस्त बेटा संजय। जय हो उसकी, सर्वप्रथम अपना न्यू मॉडल काका कवि को भेंट करेगा। हमने भी तो जगह जगह कवि सम्मेलन में कविता गाई, इलेक्शन में जीत कराई। हंसकर बोले वरवन भाई, वाह जी, जब तक कार बनेगी उनकी तब तक आप रहेंगे जिंदा, भज गोविंदा भज गोविंदा। तो बर्मन जी, हम तो केवल 5,000 लगा सकते हैं, इतने में करवा दो काम। जय रघुनंदन जय सियाराम। तोड़ फैसला हुआ कार का 6,000 में, घर घर का शोर मचाती कार हमारे घर पर आई। भीड़ लग गई, मच गया हल्ला, हुए इकट्ठे लोग लुगाई लल्ली लल्ला। हमने पूछा, क्यों बर्मन जी, शोर बहुत करती है गाड़ी? शोर बहुत करती है गाड़ी, कभी खरीदी भी है मोटर? जितना ज्यादा शोर करेगी उतनी कम दुर्घटना होगी, जितना ज्यादा शोर करेगी उतनी कम दुर्घटना होगी, भीड़ स्वयं ही हटती जाए, काई जैसी फटती जाए, बैरे भी भागे आगे से, बिना हार्न के चले सर्राटे से। बिना हार्न के? तो क्या इसमें हॉर्न नहीं है? हॉर्न बेचारा कैसे बोले, काम नहीं कर रही बैटरी। हॉर्न बेचारा कैसे बोले, काम नहीं कर रही बैटरी, काम नहीं कर रही बैटरी, लाइट कैसे जलती होगी? काम नहीं कर रही बैटरी, लाइट कैसे जलती होगी? लाइट से क्या मतलब तुमको, ये तो क्लासिकल गाड़ी है। देखो कक्कू, सफर आजकल दिन का ही अच्छा रहता है, कभी रात में नहीं निकलना। डाकू गोली मार दिया करते टायर में, गाड़ी का गोबर हो जाए एक फायर में। रही हॉर्न की बात, 5 रुपए में लग जाएगा पोंपो वाला रबड़ का, लेकिन नहीं जरूरत उसकी। बड़े बड़े शहरों में होते साइलेंस एरिया ऐसे, वहां बजा दे कोई फौरन, वहां बजा दे कोई हॉर्न, गिरफ्तार हो जाए फौरन। नाम गिरफ्तारी का सुनकर बात मान ली, एक प्रश्न और है भाई, उसकी भी हो जाए सफाई। बोलो बोलो जल्दी बोलो, ड्राइवर बाबू सिंह कह रहा तेल अधिक खाती है गाड़ी। काका जी तुम बूढ़े हो गए, फिर भी बातें कर जा रहे हो बच्चों जैसी, जितना ज्यादा खाएगा वह उतना ज्यादा काम करेगा। तार तार हो गए तर, तब रख ली गाड़ी। उस दिन घर में लहर खुशी की ऐसी दौड़ी, जैसे हमें सीट मिल गई लोकसभा की। कूद रहे थे चकला बेलन, उछल रहे थे चूल्हे चाकी, खुश थे बालक खुश थी काकी। हुआ सवेरा चलो बाल को तुम्हें घुमा लाए बाजार में, हुआ सवेरा चलो बाल को तुम्हें घुमा लाए बाजार में, धक्के 4 लगाते ही स्टार्ट हो गई। वाह वाह कितनी अच्छी है ये गाड़ी, धक्कों से ही चल देती है। हमने तो कुछ मोटर कारें रस्सों से किस्ती देखी है, हमने तो कुछ मोटर कारें रस्सों से किस्ती देखी है। नए गंज से घंटा घर तक, घंटा घर से नए गंज तक चक्कर 4 लगाए हमने, खिड़की से बाहर निकाल ली अपनी दाढ़ी, मालूम हो जाए जनता को काका ने ले ली है गाड़ी। खबर दूसरे दिन की सुनिए, अखबारों में न्यूज आ गई, नए बजट में पेट्रोल पर टैक्स बढ़ गया। जेब हम भोले मूंड मुड़ाते पड़ गए होले, फिर भी साहस रखा हमने, सोचा तेल मिला लेंगे मिट्टी का पेट्रोल में, धुआं तो कुछ बढ़ जाएगा, औसत वही बढ़ जाएगा। मोटर वापिस आनी थी अर्ध रात्रि तक, घर घर की उत्कंठा में कान लगाए रात भर ऐसे, अपना पूत लौट कर आता विदेश से जैसे। सुबह 10 बजे गाड़ी आई, इंस्पेक्टर झल्ला कर बोला, शर्म नहीं आती है तुमको, ऐसी हड्डी गाड़ी दे दी, इतना धुआं छोड़ा इसने, मेम साहब को उल्टी हो गई। हमने कहा उल्टी हो गई, हम क्या करें हुजूर, थाने को भेजी तब तो बिल्कुल सीधी थी। थोड़ा सा और मैं छोटे एक दो चुटकुले आपको सुनाता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बार चार्ली चैपलिन से मिले और चार्ली से बोले, अरे यार चार्ली तुम बहुत ग्रेट हो, तुम बोलते कुछ नहीं हो, इतने यूनिवर्सल हो कि हर देश में लोग तुम क्या करना चाहते हो, क्या कह रहे हो, सब लोग समझ जाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो चार्ली चैपलिन ने आइंस्टीन से कहा, अरे यार तू तो मेरे से भी ग्रेट है, कहते तुम क्या बोलते हो किसी को नहीं समझ में आता, तालियां खूब बजती। ये भुलक्कड़ बहुत थे एक्चुअली, आइंस्टीन को कहते हैं भुलक्कड़ बहुत थे। एक बार वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो टीटी आया, उनसे टिकट मांगा, उन्होंने कोट की पॉकेट में हाथ दिया, टिकट नहीं मिला, पैंट में दिया, इधर उधर देखा, टिकट नहीं मिला। तो टीटी ने कहा, डॉक्टर आइंस्टीन वी नो यू हु यू आर, आपने हर हालत में टिकट खरीदा हुआ, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक से ट्रेवल करो। ठीक है,
टीटी चला गया, बाकी लोगों का चेक किया, सारी डिब्बे का चेक करने का, जब वापस लौटा था देखा कि आइंस्टीन घुटनों के बल सीट के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं। उसे अभी भी टिकट ढूंढ रहे हैं, कहते डॉक्टर आइंस्टीन ना सब जानते हैं आपको, आप ईमानदार आदमी हो, टिकट लिया होगा, बिल्कुल मत घबराओ, आप परेशान नहीं हो। कहते परेशान तो मैं इसलिए हूँ कि मुझे कहाँ जाना ये पता नहीं है, टिकट देख के बताऊंगा। नारायण राम पर्यायवाची, नारायण नंद किशोर पर्यायवाची। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी स्वयं नारायण स्वरूप हमारे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को कि वह मंच पर आकर हम सबको दिवाली का शुभ संदेश दें। तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर श्री नंद किशोर गर्ग जी का, परिचय के मोहताज नहीं। दिवाली की परिवार के सभी छोटे बड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत विस्तार में कई चर्चाएं हुई, गोयल साहब ने जो एक बात कही उसको कि रामधारी सिंह दिनकर कितने पहुंचे हुए पुरुष थे, मैं केवल एक घटना बताऊंगा जीवन की, उनके अंतिम क्षण की। रामधारी सिंह दिनकर जैसे कविता आपने सुनी, बहुत कविताएं लिखी, और हमारे डॉक्टर मिश्रा ने उन सब की इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, लाइब्रेरी में है वो किताबें। परंतु एक ऐसी घटना जिसको आप भी सुन के लगेगा कि भगवान भी है और लोगों की सुनता भी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 74 की बात है, जिस साल में देहांत बताया, अस्वस्थ थे और आंदोलन की अगुवाई करें ये सब लोगों की इच्छा थी। आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था और बिहार उत्तर प्रदेश में आ गया था, तो अंत में रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, एस गुरुमूर्ति, इन लोगों ने फैसला किया कि तिरुपति चलते हैं, तिरुपति चल के भगवान से दर्शन करके उसके बाद फैसला करेंगे क्या हो। तो चेन्नई के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, दर्शन करके आए, बैठने के बाद जब चाय पी रहे थे तो एक दूसरे से पूछा तुमने क्या मांगा, तुमने क्या मांगा। तो सबके देश की चिंता थी उस समय, वातावरण जैसा था, 74 के बहुत से लोग तो आप ऐसे हैं जिनको 74 में शायद बच्चे होंगे या ना भी हों, तो उस आंदोलन में मैं भी क्योंकि एक हिस्सेदार था, तो उस समय उनमें से एक ही व्यक्ति जीवित है, इस गुरुमूर्ति है। तो पीछे उनकी जब शताब्दी वर्ष में ये रेफरेंस आया भी, और उस किताब में भी मिश्रा जी ने छापा जब मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया कि मैंने तो भगवान से एक ही चीज़ मांगी है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्वस्थ हैं, मेरी जितनी बैलेंस आयु है वो मेरी सारी आयु भगवान जयप्रकाश नारायण को दे दें। ये बात कहने के विद इन 5 मिनट्स रामधारी सिंह दिनकर भगवान के पास चले गए, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पास उन्होंने कहा कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अब इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा क्योंकि दिनकर जी ने अपनी जिंदगी मुझे दे दी है और मैं अब ना नहीं कह सकता। तो कितने विद्वान थे, कितने धीर थे, गंभीर थे, परंतु सीधी भगवान से भी बातचीत कर सकता है इंसान। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि राम भी थे, जो लोग कुछ आज भी खासतौर पे जो अपने आप को बहुत प्रगतिशील और लेफ्टिस्ट मानते हैं कि राम थे ही नहीं, राम तो कल्पना है, ये बात कह के हमारी नई पीढ़ी को बहुत गुमराह करते हैं। सारे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, पुरातत्व विभाग का, प्लेनेटरी जो सिस्टम है, जिस समय जो जो रामायण में वर्णन है कि उस समय ग्रहों के क्या संबंध थे, उन सब के बाद लगभग अभी सबने सिद्ध किया है कि 7000 प्लस 100-150-200 साल आगे पीछे भगवान राम हुए थे। एडम्स ब्रिज को नासा ने सर्टिफाई किया है, भगवान राम के हमारी लाइब्रेरी में बच्चा है एक, वो शर्मा जी का हमारे यहाँ जो काम करता बैठा हुआ यहीं से, जो इनकम टैक्स से रिटायर हुए, राम अवतार शर्मा उनका लड़का है, उन्होंने लगभग सारी यात्रा
दो बार किए श्रीलंका तक, किस रूट से गए थे एक एक स्थान का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राम थे ये विश्वास हम सब करें तो आपके बहुत सी चीज़ें सुलझ जाएंगी। और रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिखा हुआ है, और रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास को हम सब याद रखते हैं, वाल्मीकि को हम शायद भूल जाते हैं, जिन्होंने उनके रहते हुए उनके सामने राम की कथा लिखी थी और संपूर्ण रामायण पिक्चर आई थी जब बचपन में हमने देखी थी, उसमें वो गीत भी यही था, जब लव और कुश मिलते हैं राम से तो उस समय बिल्कुल वाल्मीकि साक्षात वहाँ हैं। तो वाल्मीकि भी कोई भगवान से कम नहीं थे, और आज हम कुछ लोगों को वाल्मीकि कहकर उनसे दूरियां रखते हैं। तो आज दिवाली के शुभ दिन पर जहाँ राम को याद करते हैं, कृष्ण का त्यौहार भी अगले दिन है, कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ त्यौहार है हमारा, इसको गोवर्धन जी का नाम ले लें, सब मिलकर भोजन करें, सब मिलकर प्रसाद लें। भाई दूज का है तो यम के साथ भी जुड़ी हुई कहानी है, और यम से जुड़ी हुई कहानी है तो चित्रगुप्त का नाम आ जाएगा। तो हमारा त्यौहारों का देश है, उत्सवों का देश है, और उत्सव का अर्थ ही कि उत्साह, उत्कर्ष, ऊपर उठना। ये सब त्यौहार हमें कोई ना कोई शिक्षा देते हैं और जीवन में और ऊपर उत्तरोत्तर प्रगति करने का संदेश देते हैं। और अंधेरा हटे रोशनी हो उसके लिए दिवाली मेन त्यौहार है, परंतु जैसे पांच त्यौहारों का समुच्चय है, वैसे तो नवरात्रि के पहले दिन से महाराज अग्रसेन जयंती से शुरू कर और अभी लगातार गंगा स्नान तक, अभी जो कार्तिक का पूर्णमासी आएगी जब तक, फिर त्योहारों का लगातार भंडार है। तो हम त्योहारों को मनाएं, समझें, और वातावरण ठीक रहे, सद्भाव रहे, और देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। जो हम कल परसों या चार पाँच दिन तक लगातार त्यौहार मनाएंगे तो लाखों लोग इस त्योहारों को मनाने के लिए अपना जीवन, अपना त्यौहार नहीं मना पाएंगे, वो सीमाओं पर होंगे। इसलिए सबने याद किया है, हम भी याद करें, और एक दिया उन शहीदों के लिए भी और उन जवानों के लिए भी जो हमारी रक्षा करते हैं। कोशिश करें हम अपने घर में एक अलग से इस बार एक दिया जलाएं, और अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा घर जहां हमारी निगाह जाती है और वहां आपको रोशनी नजर ना आए या लगता हो कि वहां कोई मिठाई नहीं पहुंची हो, तो अपने पास से कोई एक मोमबत्ती, कोई एक लड्डू, कोई एक मिठाई उस घर तक, उस बच्चे तक भी पहुँचाएँ, ताकि उसको भी महसूस हो कि दिवाली है, दिवाली के दिन खुशियाँ मनाते हैं, और खुशियाँ मनाते हैं तो मिलजुल कर मनाते हैं। इस राष्ट्र की प्रगति के लिए हम सब लोग कमिटेड हों, आगे बढ़ें, यही सभी त्योहारों का एक संदेश है। और पहला दिन स्वास्थ्य के देवता का है, धनतेरस को केवल धन से जोड़ दिया हमने, धनवंतरी भगवान का आज दिन है, हम सब स्वस्थ रहें, उन पर भी विश्वास करें। हमारे जो आयुर्वेद है या जो नियम हैं जीने के, जिसमें दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ उसके अंदर हृदय रहता है, दिमाग रहता है। तो सब मिलजुल कर महाराज अग्रसेन परिवार, हम सब मिलकर रहें, आपस में सद्भाव रखें, और मिलकर रहेंगे तो प्रगति निश्चित तौर पर करेंगे। आज के इन सभी त्योहारों के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत ही सुंदर विचार डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी की जो हमारे समक्ष छवि है, उसके लिए संस्कृत की एक लाइन, ना भूतः ना भविष्यति। ऐसी प्रतिमा जैसी, भगवान की प्रतिमा जैसी नंद किशोर जी की छवि ना कभी हुई है ना कभी भविष्य में होगी। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी दिवाली मंगलमय हो।